नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में लगातार बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए अब नीतीश कुमार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैत्रेयी रिश्ते से बात नहीं बनती, मीठी बातों से बात नहीं बनती, हड़काने से बात नहीं बनती, तो अब बंदूक उठाना पड़ेगा। दरअसल जीतन राम मांझी ने इशारों इशारों में ये बात रखी और रामायण का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अब बिहार में इसी की जरूरत है कि सभी पुलिस को बंदूक उठाना पड़े, क्योंकि भय से ही जितने अपराधी हैं वो थर थर कांपेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपराध का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके लिखा है, सुंदर कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होत न प्रीत। माने विनती से जल्द ही नहीं मान रहे, यानी कि जब समुद्र को पार करना था भगवान राम को, तो उस समय जब समुद्र का पानी कम नहीं हो रहा था, तब भगवान राम ने ये कहा था कि विनय से, विनती से और कोमल भाव से जब समुद्र की गहराई कम नहीं हो रही, जब समुद्र का पानी कम नहीं हो रहा, तो हमें इस प्रीत को हटाकर हथियार थामने होंगे, भय दिखाना होगा तभी कुछ होगा। और जब भगवान राम का विकराल रूप सामने आया था, उसके बाद से ही समुद्र का पानी धीरे धीरे करके कम होता गया, अंततः वो सूखता गया और उसके बाद भगवान राम वहां पर पार कर पाए। अब उसी रामायण का जिक्र करते हुए, सुंदरकांड का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को ये सुझाव दिया और कहा कि अगर बिहार में क्राइम अन कंट्रोल है, अपराधी मान रही नहीं रहे, तो ऐसे में भगवान राम का कहा हुआ हमें मानना पड़ेगा। और अब हमें विनती से नहीं, मैत्रीय संबंध से नहीं, लाड़ प्यार से नहीं, बल्कि हाथ में बंदूक उठाकर भय से अपराधियों को हड़काना होगा। यानी कि पप्पू यादव के बाद अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब सुट एंड साइट करना ही होगा, यानी कि पुलिस को अपने हाथ में बंदूक उठाना ही होगा। अब जीतन राम मांझी ने तो सुझाव दे दिया, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस सुझाव पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। और जब नीतीश कुमार से इस बाबत पूछा गया, तब वो काफ़ी भड़कते नजर आए, गुस्से में आग बबूला भी हो गए और उल्टे पत्रकारों पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। हालांकि उसके बाद से फजीहत भी हुई और नीतीश कुमार पर तंज भी कसा जाने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार थक गए इसलिए गुस्से में आ गए हैं और अब हर चीज में वो गुस्सा जाते हैं, यानी कि वो कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में सच में बिहार में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रांग नीति अपनानी होगी। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुखिया से नहीं संभल रहा, तो इसका मतलब तो यही है कि बिहार के लोग अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, जनता राम भरोसे होगी, क्योंकि जिस मुखिया को हमने चुना है उस मुखिया से बिहार संभल नहीं रहा और अपराधी हड़क नहीं रहे। एंड सब के बीच अब जीतन राम मांझी ने ये बड़ा सुझाव दिया कि हाथ में तलवार यानी कि पुलिस की बंदूक उठानी होगी, तभी अपराधी भय से कांपेंगे और अपराध पर लगाम लगेगा। अब जीतन राम मांझी ने तो सुझाव दे दिया है, लेकिन ये सुझाव नीतीश कुमार को कितना पसंद आता है और क्या बिहार में खुलेआम शूट एंड साइट का ऑर्डर मिलता है, क्या पुलिस के हाथ में बंदूक को मजबूती के साथ थमा दिया जाता है, देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।